राजधानी जयपुर के तकनीकी भवन में लोगों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरुआत की गई श्रमयोगी मानधन योजना का सीधा प्रसारण देखा। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। योजना के राजस्थान स्टेट नोडल अधिकारी श्री कुमार रोहित और ईएसआईसी के क्षेत्रीय निदेशक जीसी दर्जी ने श्रमयोगी मानधन योजना के बारे में जानकारी दी। क्षेत्र के कामगार वो शामिल हो सकते हैं और उन्हें नाम मात्र की धनराशि हर माह जमा करनी होगी जो उनके खाते से स्वतः काट ली जाएगी। पहली किश्त जो है वो उन्हें नगद देनी पड़ेगी जो किसी भी सीएससी सेंटर में वो दे सकते हैं। पूरे देश में 3.25 लाख के आसपास सीएससी सेंटर हैं, इसमें जाकर वो पंजीयन करा सकते हैं। इसमें 18 वर्ष के व्यक्ति को 55 रुपये प्रतिमाह और 40 वर्ष के व्यक्ति को 200 रुपये प्रतिमाह देने की आवश्यकता है। ये रकम उन्हें 60 वर्ष की उम्र तक देनी होगी। उसके बाद प्रतिमाह 3,000 रुपये की मासिक न्यूनतम पेंशन उन्हें जारी हो जाएगी। कोई व्यक्ति अगर बीच में भी चाहे तो इस स्कीम से बाहर निकल सकता है। इसमें जो हमारे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक बंधु है जिनका कोई एम्प्लॉयर वगैरह नहीं होता है उन्हीं के लिए योजना शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा की गई है और इसमें राजस्थान के हमारे जो 33 जिले हैं उस सभी जिलों में ईएसआई और ईपीएफ के सहयोग से ये योजना लागू की गई है और इसमें जितने भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनका रजिस्ट्रेशन सीएससी के माध्यम से कराया जा रहा है।